नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ओडिशा से बोकारो के लिए जा रहे व्यक्ति से बागबड़ा थाना अंतर्गत संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास मनीष नाम के युवक ने 23,000 नगद की छिनताई कर ली, जहां हो हल्ला करने के बाद स्थानीय लोगों ने मनीष को रंगे हाथ धर दबोचा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ओडिशा के राउरकेला में फाइनेंस कंपनी में कार्यरत सुशील कुमार सिंह अपने मोटरसाइकिल से बोकारो के लिए निकले, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाद उन्होंने भोजन किया। तभी मनीष नाम के युवक ने भोजन के लिए उनसे पैसे मांगे। मदद करने के उद्देश्य सुशील कुमार सिंह ने भोजन के लिए मनीष को कुछ पैसे दे दिए। तभी भोजन करने के बाद मनीष उन्हें रूम दिलाने की बात कहकर उनके बाइक में बैठ गया, जहां मौका देखकर बागबेड़ा थाना अंतर्गत संगठा सिंह पेट्रोल पंप के पास उनके पास से पैसा निकालकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी स्थानीय लोगों ने युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए पीड़ित सुशील कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने युवक को खाने के लिए उद्देश्य के मदद की, तभी युवक ने मौका देखकर छिनताई का प्रयास किया। दूसरी तरफ बागबेड़ा थाना प्रभारी में मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रूम दिलाने के बहाने युवक सुशील कुमार सिंह के मोटरसाइकिल पर बैठ गया, जहां मौका देखकर बैग से उसने पैसे निकाल लिए। जैसे ही सुशील कुमार सिंह को आभास हुआ कि उनके बैग से पैसा निकाला गया है, तो उन्होंने हो हल्ला शुरू किया, जहां स्थानीय लोगों ने मनीष को धर दबोचा। उन्होंने कहा कि जांच के क्रम में मनीष के पास से 22,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया फिलहाल मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मतलब कि वहाँ जब मैं टाटा पहुँचा तो मैं सोची समझा रेस्ट लिया और खाने जा रहा था। खाना तो मैं खाई लिया, खाने के दौरान इस वजह से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मैं खाना पहले नहीं खाया हूँ, तो मैं इसको कुछ पैसे दिया, बोले चलो तुम खाना खा लो। खाना खाने के बाद पैसे मैंने थोड़े से मोटा देख लिया, फिर मैं खाना तो खा ही लिया। सब बोले चलिए वहाँ से ड्रॉप कर दीजिए। वहाँ से ड्रॉप करने गए तो मतलब कि जहाँ जो पेट्रोल पंप है उसके बाद मेरे फूल बेचता है, वहीं पर मेरे बोला गाड़ी रोको। तो गाड़ी वहाँ रुकने के साथ बोला कि ठीक है मैं कहीं छोड़ो, मैं कहीं पर आता हूँ लेकर के। इतने में मैं वहाँ पर गाड़ी अटेंड किया और बोला कि पीछे मैं बैठा था, मैं पैकेट में हाथ डाल रहा था, उसमें डाउट हुआ मेरे को। तो मुझे डाउट हुआ, मैं पैसा मैंने अंदर किया, अंदर जैसे मैं करने वैसे मैंने पैकेट से चले गए, पैसा हाथ लिया पूरा, पैसे हाथ से आ गया। मैं उसे गट्टा पकड़ लिया उसे करने लगा, तो उसमें और एक दो लगा, मैं कोई झिझोड़ के गिरा दिया, गिरा के पैसा लगे चले गया। मैं चलाया दौड़ा भी तो तब वो आगे निकल गया था। शोरगुल किए जाने पर वहाँ जो है पुलिस वाले पहुँचे, उनके द्वारा जो उस व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से जो है चोरी गया 22,000 रुपया बरामद हुआ है। इस संबंध में कांड अंकित किया गया है और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिले में साइबर गिरोह काफी सक्रिय है, आए दिन लाखों रुपए का चूना लोगों को लगा रहे हैं। ताजा मामला गोविंदपुर थाना अंतर्गत जोजोबेड़ा का है, जहां जोजोबेड़ा की रहने वाली अनु कुमारी शर्मा नामक महिला से लगभग 1,40,000 रुपए का साइबर ठग ने पैसा उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के नाम पर महिला के साथ ठगी हुई। पहले 99,000 का निकासी हुआ, उसके बाद 44,000 का निकासी हुआ। उधर महिला के मोबाइल पर मैसेज आते ही महिला ने बैंक से संपर्क साध और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर बिष्टुपुर थाने में महिला ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जिले के सैकड़ों लोगों को साइबर ठगों ने चूना लगा दिया है। फ्रॉड हुआ है, एक्चुअली 29 सितंबर को मेरा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड हुआ था, उसके लिए मुझे प्राइवेट नंबर से ही एक्सिस बैंक से कॉल आया था। तो कल दिनांक 18/10 को मेरे को इस बीच पहले रेगुलर क्रेडिट कार्ड के लिए रिगार्डिंग बार बार कॉल आ रहा था एड्रेस अपडेट करने के लिए, एंड बहुत सारे वो भी प्राइवेट नंबर से आ रहे थे। तो इसलिए कल मेरे पास फिर दो नंबर से कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे क्रेडिट कार्ड में दो सर्विस एक्टिवेट हुई है, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक पिन आएगा, उसको शेयर कीजिए तो आपकी ये सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी, नहीं तो आपका इतना चार्जेस कटेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने तो कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं की है, उसको डीएक्टिवेट कीजिए। तो मैंने जैसे ही ओटीपी शेयर किया है उनको पिन, तो मेरे क्रेडिट कार्ड से दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, 99,274 रुपीज़ का एंड 49,490 रुपीज़ का। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 4 में दुर्गा पूजा के दौरान दो युवकों में मारपीट हुई। इस मामले में अब मारपीट करने वाला युवक जातिगत रंग देने लगा है। हालांकि पूजा कमेटी के लोग आज एसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पूजा कमेटी के लोगों का कहना है कि जिस युवक ने मारपीट किया वह नवमी की रात पूजा के दौरान लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। छेड़खानी का विरोध करने के बाद युवक अपने साथी के साथ मिलकर पूजा कमेटी के सदस्य के घर पर हमला बोल दिया और मारपीट की।
हालांकि FIR दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार फिर पूजा कमेटी के लोगों ने SP से मुलाकात की है। रात में वो लोग लड़की लोगों का फोटो दारू पी के लड़की लोगों का फोटो खींच रहा था और हम मना किए उन लोगों को। मना करने के बाद वो बोला तुम कौन होता मना करने वाला, वैसा कुछ बोला। उसके बाद फिर 10 मिनट उसी को लेके मैं भसान के बाद मैं घर जा रहा था। उससे पहले उन लोग कुछ लड़का मेरा घर पहुँच के मम्मी पापा के साथ मारपीट कर रहा था। फिर हम आए तो मेरे साथ भी मारपीट किया। फिर आसपास के आदमी लोग छुड़ाया, फिर भैया लोगों को कॉल किए तो आके लेके गए मुझे बागबेड़ा थाना। वहाँ पे FIR किए हैं हम लोग। यार मुझे कुछ लग नहीं रहा, मेरे तरफ से कुछ उन लोगों का कार्रवाई नहीं हो रहा मेरे तरफ। तो हम लोग अप्लीकेशन देने आए हैं SP साहब के पास। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार चौधरी है और चौधरी है। मैं भी निचले कास्ट का हूँ। यहाँ कास्ट का कोई बात नहीं है। वो घर में घुस के मारा है और उसके प्रति कोई जाँच नहीं हो रहा है। वो निचली कास्ट निचली कास्ट कर रहा है ऐसा कुछ मतलब ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जुगसलाई पहुंचे, जहां जुगसलाई के लोगों ने विधायक इरफान अंसारी का भव्य स्वागत किया। वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन के द्वारा ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पर जुगसलाई गौरी शंकर रोड में समाज सेवी नौशाद आलम के आग्रह पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जुगसलाई पहुंचे और सभी को ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की सरकार सेकुलर सरकार है, जहां हर धर्मावलंबियों का सम्मान होता है। उन्होंने कहा हर पर्व त्योहार को हर जाति धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। उन्होंने कहा जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी अल्पसंख्यकों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जिसमें वे भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने आए हैं। मंगल जी आपको स्पेशली इन्वाइट किए विधायक जी, आपको आना है। मैं अपने क्षेत्र का सारा कार्यक्रम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए कि जब हमारे मंगल कालिंदी जी जो है जो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं हम इनके साथ हो जाएं। तो निश्चित तौर पर समाज को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार यहाँ सेकुलर सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ सबका सम्मान होता है, सभी धर्मों का सम्मान होता है। ये हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग वंदना में भी जाते हैं, चौराहे में भी जाते हैं। दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा लगभग हमने 21,000 हमने गरीबों को वस्त्र वितरण किया। तो हम लोग में भेदभाव नहीं है, विकास करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि अखिलेश जो कौम है ये प्यार का भूखा है। अब इसको आंख दिखाएगा ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यार से सब कुछ जुटा देता है ये अखिलेश जो हमारा अल्पसंख्यक कौम है। JSR Always introducing One Way Ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing One Way Rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR ऑन व्हील्स के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। जस्ट बुक योर राइड एंड वील प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस एट योर डोरस्टेप। जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR ऑन व्हील्स पे ही चलना। मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद मिलाद उन नबी को लेकर शहर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जुलूस निकालने पर पाबंदी है। हालांकि किसी भी करवाला समितियों ने जुलूस नहीं निकाला। वैसे पूरे शहर में दंडाधिकारी तैनात है, DSP और पुलिस बल को भी उतारा गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। CTSP सुभाष चंद्र जाट खुद पूरे शहर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर CTSP ने साफ कर दिया कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। हालांकि पहले भी लोगों को कह दिया गया था कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करें नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे पर्व मनाने वाले लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जमशेदपुर के जनता ने और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों ने सरकार के गाइडलाइंस को मानते हुए ये निर्णय लिया था कि जुलूस नहीं निकलेगा और निर्णय आते कायम रहे हैं। जुलूस नहीं निकला है, कहीं कोई किसी तरह की समस्या नहीं है।
इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स का और जमशेदपुर की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी पुलिस फोर्स और हमारे मजिस्ट्रेट सुबह से लगातार रोड पर बने हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एडीएम साहब हैं, हमारे दूसरे हेडक्वार्टर टू कम ट्रैफिक डीएसपी, डीएसपी पटमदा से भी आप मिले, सभी डीएसपी जो ऑन रोड हैं, सभी थाना प्रभारी ऑन रोड हैं, सभी ट्रैफिक के इंस्पेक्टर ऑन रोड हैं। और लेकिन तब पर भी हम लोग एहतियाती तौर पर लोग नहीं जाएँ, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं रहते हैं, उनको समझाने के लिए हमेशा प्रयास किया है कि क्योंकि अभी कोरोना को देखते हुए कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने सबसे कहा है कि नहीं निकलेगा, लोगों ने मांग भी लिया है। जितने भी इनके जो लेमा लोग हैं, चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हैं, सारे कमेटी के लोग हैं। जमशेदपुर में मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के प्रमुख चौराहों पर रफ बाइकर्स ने रैली निकाली। हाथों में सामाजिक झंडा लिए हुए बाइक से सांची डीसी ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, जुबली पार्क रोड, आमबगान कदमा इलाके में युवा जोश के साथ बाइक में नारे लगाते हुए आसानी से चलते रहे। कहीं भी पुलिस नहीं दिखी जो कि इन्हें रोके। सोमवार को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सख्त फरमान जारी किया था कि स्टेक होल्डर जुलूस नहीं निकालेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि जमशेदपुर में प्रचलन देखा गया है कि बाइक राइडर्स रब वाहन चलाते हैं, ऐसा करके वे अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की तैनाती व वाहन जाँच के बीच ऐसे रब बाइकर्स को पकड़ने व ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बातें कही थी। बावजूद उसके यह रैली निकालकर सिटी एसपी को खुली चुनौती तो दी है, सड़क में तैनात ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी की भी पोल खोल दी। कोविड 19 व झारखंड सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए झारखंड समेत धनबाद में ईद मिलादुन्नबी का पर्व सादगी के साथ मनाया जा रहा है। रोड में जुलूस इस बार नहीं निकाला जा रहा है। स्टेशन रोड मजार मस्जिद के मौलाना ने मीडिया को बताया कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह मुस्लिम का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व को बाराफात या ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के रात भर मस्जिदों में इबादत करते हैं और जलसा का भी आयोजन करते हैं। इसमें मोहम्मद साहब की शान में नज्म पढ़े जाते हैं। मस्जिद व घरों में कुरान को खास तौर पर पढ़ा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब आखिरी नबी है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने की 12वीं तारीख को पड़ता है। रवि अव्वल की 12वीं तारीख को ही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं आज कई लोग मस्जिद में नमाज अदा कर सादगी से पर्व मना रहे हैं। गली मोहल्लों को अच्छी तरह से सजाया गया है। रंग बिरंगे लाइट्स मस्जिदों के मीनारों में चार चांद लगा रहे हैं। झंडों से मोहल्ले की खूबसूरती देखती बन रही है। छोटे छोटे बच्चे कुर्ता पैजामा पहनकर ईद मिलादुन्नबी पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं घर में महिलाएं तरह तरह की पकवानें बनाने में व्यस्त है। नाते मुस्तफा का खूब खूब एहतमाम हो रहा है। झारखंड राज्य में मॉनसून का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और लगातार विगत दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में कुम्हारों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इनके चाक के पहिए थम से गए हैं और इन्हें दीपावली की चिंता सता रही है। अमूमन तौर पर कुम्हारों को साल भर से दीपावली का इंतजार रहता है, जहां वे एक मुस्त व्यापार करते हैं, चाहे वो दिए हो, चाहे मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के खिलौने। दीपावली के दौरान इनकी बिक्री जोरों पर रहती है, लेकिन इस वर्ष मॉनसून के प्रकोप से ये कुम्हार परेशान है। लगातार जमशेदपुर शहर में दो दिनों से बारिश हो रही है, जिस कारण कुम्हार सामान नहीं बना पा रहे हैं। कुछ कुम्हारों के पास इलेक्ट्रिक चाक मौजूद है जो थोड़ा बहुत सामान बना रहे हैं, और बाकी कुम्हारों के पास परंपरागत चाक होने के कारण वे सामान नहीं बना पा रहे हैं। वैसे मिट्टी के सामान बनाए जाने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है, लेकिन मानसून के प्रकोप के कारण धूप ही नहीं निकल रही है। दीपावली में अब लगभग 15 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कुम्हारों की चिंता काफी बढ़ सी गई है। बारिश के चलते बहुत परेशानी है, धूप नहीं उगने के कारण माल बनाने के कहाँ बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला मशीन है वो बना रहे हैं थोड़ा बहुत, और धूप नहीं निकल रहा है तो माल सूख नहीं रहा है। उठाव बैठाव करने में आदमी बहुत थक जाता है। देखिए उतना लागत जितना लगता है कुछ ज़्यादा कुछ होता है। अब 500 रुपया लागत लगा 750 रुपया आया, और उसने मेहनत करने और काम कर रहे हैं, हमको तो कम से कम हाजिरी होना चाहिए 500 रुपया। कहाँ से काम मांगे, हम लोग को फायदे नहीं दे रहे हैं। सरकार तो काम कर सकते हैं, हम लोग का तो मांग रहे करते हैं, वक्त देवे नहीं करते हैं। क्या मांग किया सरकार से आप लोगों? सरकार से मांग है हम लोग को नौकरी चाकरी कहूँ पर काम लगाइए, काहिल हम लोग मट्टी काम कर सकते हैं। धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवांडी के पास झाड़ी से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। शव की पहचान दोकार देवांडी निवासी 35 वर्षीय धनंजय प्रमाणिक उर्फ बबलू के रूप में की गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज
आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धनंजय रविवार को करीब 11 बजे किसी के फोन आने के बाद घर से निकले थे, उसके बाद वह घर नहीं लौटे। परिजन काफी खोजबीन के बाद थाने में धनंजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज सुबह धनंजय का शव उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही बांस की झाड़ी में मिला। सुबह जब लोग शौच के लिए उस रास्ते की ओर गए थे, एक युवक का शव मिलने की चर्चा इलाके में फैल गई। सूचना पाकर धनसार थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की छानबीन में जुट गई है। धनंजय की मृत्यु संदेहास्पद बनी हुई है। शक किसी पर नहीं है, लेकिन एक आदमी उसको कॉल करके बुलाया था, वही फोन में ही निकला है और मोबाइल उसका साथ में है, अभी भी मोबाइल यहीं पर है। कल तक मोबाइल उसका 7 बजे तक रिंग हुआ था, उसका मैं कब चला पता था? रविवार से। और आज जो है उनके परिवार लोग पता लगाने से पता चला है कि ढोकरा में उसका मृत्यु हो गई है, उसका मृत्यु पाया गया है। इस संबंध में हम लोग जहाँ जांच प्रथम दृष्टा से पता चला तो कुछ तनाव के कारण जो है कुछ है, कुछ घरेलू तनाव था या तो और भी कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण उनकी मृत्यु प्रथम दृष्टा से पता चला। और हम लोग इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए PMC भेज दिया गया है। CTA एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। आवर कॉन्टेक्ट नंबर 7903302477।